उधर गिरिडीह के गांव अंतर्गत विभिन्न बाजारों में दुकानदारों के द्वारा ऊंचे दाम पर सामान बेचने की शिकायत पर वीडियो विद्याभूषण राम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही सभी दुकानदारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न बेचने और दुकान के बाहर मूल्य तालिका लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना की महामारी फैल रही है, जिसके उद्देश्य से लॉकडाउन किया गया है। इसे मौका समझकर दुकानदार फायदा ना उठाए, उन्होंने कहा कि ये सहयोग का समय है, इस समय पर सब एक दूसरे का सहयोग करें और उचित मूल्य पर सामान बेचे। इस दौरान उन्होंने सभी दुकानदारों को कड़ी हिदायत भी दी है, अगर कहीं भी सामानों की कालाबाजारी की शिकायत मिली तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। मालडा और पिहरा बाजार में जो भी व्यवसायी है उनको निर्देश दिया गया है कि वो समय अनुसार जो निर्धारित मूल्य है उसी पर सामान की आपूर्ति करेंगे, किसी को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ पीडीएस के सभी डीलरों को भी किया गया है कि वो मार्च महीना का जो चावल है उसको दो दिन में बांट करके फिर अप्रैल का उठाव करके गाँव